हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रेड 11 हिंदी चैप्टर नंबर 6। हिंदी चैप्टर नंबर 6 भारत माता की जय। भारत माता की जय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई एक ऑटोग्राफी है। ऑटोग्राफी मीन्स आत्मकथांश। उन्होंने यह आत्मकथांश लिखा था और इसका नाम उन्होंने भारत माता की जय लिखा था। तो किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है उसके बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले हम परिचय रिलेटेड बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 में इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और आजीवन वे इसी पद पर रहे। और हर साल 14 नवंबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है और उस दिन जो है सभी बच्चों को पता होता है कि आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, उन्होंने लिखी थी मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक और थर्ड नंबर पे भारत एक खोज, भारत एक खोज मीन्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस तरह से नेहरू जी द्वारा लिखी गई उनकी तीन प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज। तो नेहरू जी ने अपने प्रस्तुत लेख में क्या लिखा है, जो अनपढ़ ग्रामीण लोग हैं, जो अनपढ़ ग्रामीण लोग हैं और वे तरह तरह के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय करते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, तो जो नारा लगाते हैं भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उसके वत्सलता से वे अनजान है। सिर्फ वो नारा लगाते हैं परंतु उस नारे के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि हम नारा क्यों लगाते हैं और सही सच्चे अर्थों में उसका लगाने का क्या अर्थ है। तो इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ये ऑटोग्राफी लिखी है। तो नेहरू जी जो है रोहतक से दिल्ली रोड की ओर जा रहे हैं और ट्रेन उनको पकड़नी है, तो उस समय किस तरह से लोग उनका मोस्ट वेलकम करने के लिए या उनसे मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं, चलिए देखिए चैप्टर में क्या दिया गया है। रात हो गई थी, हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े क्योंकि उस रात ही हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। तो जवाहरलाल नेहरू को दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी आगे जाने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि रात का समय था और वहां पर बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ लगी हुई थी। जब वो वहां से जा रहे थे तो पहले से ही सभी लोगों को पता चल गया था कि आज जो है यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने वाले हैं, तो किस तरह से लोग उनका मोस्ट वेलकम करने के लिए वहां पर औरतों और आदमियों की काफी भीड़ लगी हुई थी। इस तरह से तब उन्होंने बताया, मीन्स सभी लोगों ने बताया, क्या बताया कि दोपहर से वे बैठे बैठे उनका इंतजार कर रहे थे और दोपहर से बैठे बैठे उनका इंतजार करते करते उनको शाम हो चुकी थी और उनमें ज्यादातर जो है छोटे बड़े जमींदार लोग ही थे, जो खेती करने वाले होते हैं, किसान लोग ही थे। उनके बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए इंतजार कर रहा है तो उसे जो है उनसे मिलना चाहिए, ना कि उसे बिना देखे या बिना बात किए आगे नहीं जाना चाहिए। तो मुमकिन का अर्थ होता है संभव।
किन का अर्थ होता है संभव। तो लोगों से मिले बगैर आगे बढ़ना संभव नहीं था। तो इस तरह से जब लोगों ने उनको अपनी ओर आते हुए देखा या उनसे मिलने के लिए वे आगे बढ़े, तब जो है लोगों की जोर जोर से चीखने की, चिल्लाने की या जोश भरी आवाज में उन्होंने नारे लगाना शुरू किया। वंदे मातरम और भारत माता की जय, उन्होंने इस तरह के नारे लगाए। तो जब उन्होंने वंदे मातरम और माता की जय के नारे लगाए, तभी जो है नेहरू जी ने उनसे पूछा, क्या पूछा कि आप ये जो नारे लगा रहे हो ये किस लिए लगा रहे हो। तभी जो है यह सुनकर किसी भी व्यक्ति ने उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर से जो है नेहरू जी ने यह सवाल दोहराया कि आप ये नारे किस लिए लगा रहे हो। तभी जो है उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से नारे लगाने में खुशी होती है और जो हमारे प्रतिद्वंदी होती हैं, प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है जो हमारे विरोधी लोग होते हैं, शायद वो इससे डरते हैं, हम उन्हें ललकारते हैं, तो इस तरह से हम ये नारे लगाते हैं। तो यह सुनकर फिर से जो है नेहरू जी ने उनका सवाल पूछने का, जो भी प्रश्न उन्होंने पूछे थे वे अभी उनसे पूछने बंद नहीं हुए थे। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा, मीन्स जब उन्होंने बार बार उनसे ये पूछा कि आप ये नारे क्यों लगाते हो और इनके लगाने का अर्थ क्या है, तो फिर भी जो है बड़ी कोशिश करने के बाद बेहद हिम्मत करके, बेहद का अर्थ होते हैं जिसकी सीमा न हो, बेहद का अर्थ है जिसकी सीमा न हो। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी हिम्मत करके एक ही व्यक्ति ने उनका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि माता का मतलब धरती से है, यानी कि हम माता किसे कहते हैं, अपनी धरती माँ को कहते हैं। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही चला गया। मीन्स जब वह यह बता रहा था कि माता का मतलब धरती है, तो उनका ध्यान जो है धरती की ओर चला गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली। तो किसानों को यह लगता है कि जो हमारी धरती माँ है वही जो है हमारी माता है, इसलिए हम उसके नारे लगाते हैं। फिर जो है फिर से नेहरू जी ने उनसे प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि कौन सी धरती, आप किस धरती की बात कर रहे हो, आप उस धरती की बात कर रहे हो जहां पर आप लोगों ने जन्म लिया है, या आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हो, तो आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। पेचीदा का अर्थ होता है कठिन। पेचीदा का अर्थ होता है कठिन। तो इस तरह से उन्होंने फिर से यह पूछा कि आप जो है कौन सी धरती की बात कर रहे हो, जहां पर आपने जन्म लिया है या जहां पर आपका गांव है, या फिर आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हो। पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए, यानी कि इतना कठिन सवाल उन्होंने फिर से पूछा तो वे और भी परेशान हो गए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि हमें जो है इसके मतलब का नहीं पता है, आप ही हमें इसका मतलब समझाइए। तो इस तरह से लोग फिर से चुप हो गए। उन्होंने बताया कि भारत क्या है, किस तरह है, उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो उन्होंने बताया कि पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, उसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, मद्रास इत्यादि शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं जैसी आप लोगों की हैं। उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वैसे ही कुचलने वाली गरीबी और आफते हैं। तो इस तरह से नेहरू जी ने क्या समझाया उनको कि भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है, जैसा कि तुम तस्वीरों में देखते हो।
तो क्या करते हैं कि कई बार जो है भारत माता जो भारत का मैप है उसको अगर आपने कहीं देखा तो उसमें भारत माता की तस्वीर भी कई बार दिखाई होती है, और कई बार स्कूलों में भी जो है छोटे बड़े प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी एक लड़की को भारत माता बनाकर खड़ा कर दिया जाता है, उसको ताज पहना दिया जाता है। तो इस तरह से नेहरू जी कहते हैं कि जैसा आप कल्पित तस्वीरों में देखते हो वैसा कुछ भी नहीं है, भारत माता कोई बेबस नारी नहीं है। बेबस का अर्थ होता है लाचार, तो यह कोई बेबस नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले बाल होते हैं, और आपने देखा होगा कि तस्वीरों में उसके बाल भी जो है काफी बड़े दिखाए होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली है, यह अजय बोलकर आपने आपकी और आपके साथ रहने वाले जो हर व्यक्ति है हमारे देश का रहने वाला या हमारे भारत का रहने वाला जितने भी भाई बहन है आप उन सब की जय बोलते हो। निश्चय ही आप और आपके भाई, इसलिए जब आप भारत की जय बोलते हो तो यह समझो कि आप खुद की जय बोलते हो और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हो। याद रखिए भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। तो इस तरह से नेहरू जी ने क्या समझाया, नेहरू जी ने समझाया कि आप यह मत समझो कि भारत माता की अगर आप नारे लगाते हो तो भारत माता कोई बेबस लाचार नारी नहीं है जिसके धरती तक बाल लटकते हैं, वह जैसा आप तस्वीरों में देखते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि रियल में क्या है, वास्तव में क्या है जिसकी आप जय बोलते हो। अगर आप भारत माता की जय बोलते हो तो यह समझो कि आप खुद की जय बोलते हो और आपके हिंदुस्तान में रहने वाले उन सभी भाई बहनों की जय बोलते हो जो आपके देश में रहते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना, यानी कि जो भी व्यक्ति थे उन्होंने यह बोला था कि हमें जो है इसके मतलब का नहीं पता है, तो उन सभी लोगों ने यह सब बातें उनकी ध्यान से सुनी। ध्यान से सुनने के बाद जो है उनके चेहरे पर एक खुशी की रेखा दिखाई दी, यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था। मीन्स उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे थे उन्हीं के लिए था। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो नारा लगाते थे परंतु उनको इस नारे का लगाने के अर्थ का कोई भी पता नहीं था। तो जब आज जो है नेहरू जी ने उन्हें बताया कि ये जो नारा आप लगाते हो वो किसके लिए लगाते हो, वो आपके अपने लिए लगाते हो और आपके देश में रहने वाले उन सभी भाई बहनों के लिए लगाते हो, तो यह सब सुनकर उन लोगों के चेहरे पर एक खुशी आई और आज जो है उनको रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ कि हाँ अब हमें पता चला कि हम यह नारा लगाते हैं, इतने दिनों से जो यह नारा लगा रहे थे वह हमारे लिए ही था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर से हम बोलते हैं भारत माता की जय। तो फिर से जो है सभी लोग मिलकर उसी नारे को लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसानों के साथ रहकर, यानी कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो किसान थे जो उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उन लोगों में ज्यादातर किसान लोग थे, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली या हरियाणा में रहने वाले मोस्टली जो है जाट होते हैं, तो वे लोग जो है उनका स्वागत करने के लिए कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अगर यहाँ से जा रहे हैं तो हम एक बार उनसे मिल लें, तो उनसे मिलने के लिए लोगों ने भीड़ लगा के रखी थी और तरह तरह के नारे लगा रहे थे। और जब उन्होंने पूछा कि आप ये नारे क्यों लगा रहे हो, तब उनमें से किसी को इसके अर्थ का पता नहीं था। तभी जो है जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बताया कि अगर आप भारत माता की जय बोलते हो तो आप यूं समझिए कि आप अपनी जय बोलते हो और भारत में रहने वाले जो आपके भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, आप उन सभी की जय बोलते हो। तो जब जो है सभी लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें इस बात की प्रसन्नता हुई कि हाँ हम जो है अपनी ही जय बोलते हैं, और यह
समझकर उन सभी ने मिलकर एक बार फिर से वही नारा लगाया कि भारत माता की जय। तो इस तरह से आप यह वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और आप भी स्वयं इस चैप्टर को अगेन रीड कर लीजिए। थैंक यू।